हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए यमी एंड डिलीशियस बैंगन के भरते की रेसिपी लेकर आई हूँ। एंड आई एम श्योर बैंगन का भरता हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये बैंगन का भरता हम थोड़ा सा ट्विस्ट देके बनाएंगे ताकि बच्चे भी इसे खा सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बैंगन लिए हुए हैं, बड़े साइज़ वाले बैंगन लिए हुए हैं। सबसे पहले हमें बैंगन को चेक करना है अंदर कीड़े तो नहीं है, क्योंकि ये जो बड़े वाले बैंगन होते हैं ना, इसमें अंदर कीड़े होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले आप बैंगन की टेल को हटा दीजिए, उसके बाद हम बैंगन को हाफ कट करके चेक कर लेते हैं कि इसमें कीड़ा है कि नहीं है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इस वाले में कीड़ा है, तो ये बैंगन को हम साइड कर देंगे, या फिर आप इसका जो कीड़ा वाला पोर्शन है उसे आप साइड भी कर सकते हैं। अब हम दूसरे बैंगन को कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने ये बैंगन लिए हुए हैं, इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धुल कर फिर इन्हें पोंछ लिया था। अब बैंगन को हमें इस तरीके से, एक बैंगन के आपको 4 या 6 पीसेस कर लेने हैं, बड़े बड़े पीसेस करने हैं। अब हमें इसे उबाल लेना है, तो एक कुकर में हम ये सारे बैंगन के पीसेस रख देंगे। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर जो बैंगन है ना, इसमें आपको तेल वेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो बैंगन है वो बिल्कुल भी ना जले। तो करीबन आधा कप आप इसमें पानी डाल दीजिए, और इसमें हम विसल लगा लेते हैं। एक विसल में ये बैंगन अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो जब तक ये बैंगन हमारे उबल रहे हैं, तब तक मैं आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में बाकी की तैयारी करके रखी हुई है। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, 5 से 6 लहसुन की कली को चॉप कर लिया, इसमें लहसुन बहुत अच्छा लगता है। 2 बड़े टमाटर को छोटा छोटा कट कर लिया है मैंने, साथ में एक हरी मिर्च को मैंने स्लिट कर लिया है, और थोड़ी सी धनिया पत्ती को मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है, जिसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अब एक कढ़ाई ले लीजिए, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। यहाँ पर आप सरसों का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जब जीरा अच्छी तरीके से चटकने लगेगा, वो अच्छी तरीके से फूल जाएगा, तो इसमें हम डाल देंगे बारीक कट की हुई प्याज, और प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। इसमें आप साथ में डाल दीजिए नमक, ताकि ये प्याज के भुनने की प्रोसेस ना फास्ट हो सके। तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, मैं 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ। जब प्याज हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो इसमें हम डाल देते हैं ऊपर से बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक हमने पहले नहीं डाला है, इस स्टेज में डालने से ना लहसुन का जो खुशबू और स्वाद है वो ज़्यादा उभर के आता है। पहले डालने से ना लहसुन ज़्यादा भुन जाता है और जल जाता है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होता है लहसुन डालने का। अब इसमें आप ग्रीन चिलीज डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डालिए। ज़्यादा खाते हैं तीखा तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो एक डाल दीजिए। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कट किया हुआ टमाटर। टमाटर को ना आपको बिल्कुल बारीक कट करना है, तभी ज़्यादा अच्छी तरीके से गलता है, और बैंगन के भरते में तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब तक ये हमारा टमाटर अच्छी तरीके से गल रहा है, तब तक देख लेते हैं बैंगन भी हो चुके हैं। बैंगन को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था, और अब जो इसकी आउटर स्किन है उसे हम अलग कर लेंगे। अभी थोड़ा सा बैंगन गर्म है, तो आप एक स्पून की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं कि बैंगन ठंडा हो जाए। बहुत ही आसानी से जो इसकी आउटर स्किन है वो निकल जाती है। यहाँ पर मैंने ये बैंगन की आउटर स्किन निकाल ली है, और ये बैंगन बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो ये टमाटर भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब टाइम है इसमें मसाले ऐड करने का। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, बस आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और जो कि मैंने बोला था ना एक ट्विस्ट है, वो है ये मैगी मसाला का। तो यहाँ पर मैं आधा पैकेट मैगी मसाले का डाल रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैगी मसाले में ना कुछ भुने हुए मसाले होते हैं, इससे बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगने लगता है, और तभी तो ये बच्चे भी इसे चट करके खा जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप कोई सा भी अलग मसाला डाल सकते हैं, जैसे किचन किंग मसाला डाल दीजिए, या फिर आप जो भी पैकेट्स मसाले के पैकेट्स आते हैं ना, चाहे आप छोला मसाला डाल दीजिए, कोई सा भी पैकेट हो ना, उसका आप
आधा छोटी चम्मच मसाला ज़रूर डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इन्हें भून लीजिए और थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं पानी, क्योंकि ये वाला जो बैंगन का भरता है ना, ये सूखा सूखा नहीं अच्छा लगता है, हल्का सा गीला ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देते हैं बैंगन, जो कि हमने अच्छी तरीके से छील कर और मैश करके रखे हुए हैं। और इस स्टेज में जब हम इन बैंगन को चलाएंगे ना, तो ये अपने आप छोटे छोटे पीसेज में हो जाते हैं और इसका भरता बन ही जाता है भाई। तो अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, चाहे तो आप ऊपर से थोड़ा और पानी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो और ड्राई होने लगता है। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको बैंगन का भरता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब ऊपर से डाल दीजिए बारीक कट की हुई धनिया पत्ती, ये तो मस्ट है भाई, इसके बिना ना वो स्वाद नहीं आएगा, तो ज़रूर डालिएगा। और बस ये लीजिए, ये हमारा बैंगन का भरता बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।